साथियों, टूरिज्म की बात जब आती है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा स्वाभाविक है। इसके कारण केवड़िया और गुजरात पूरे विश्व के टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से छा गया है। अभी इसका लोकार्पण हुए सिर्फ 11 महीने हुए, एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन 11 महीनों में 23 लाख से अधिक पर्यटक, देश और दुनिया के पर्यटक हमारे सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए हैं। हर दिन एवरेज औसतन 8,500 टूरिस्ट यहां आते हैं। मुझे बताया गया कि पिछले महीने जन्माष्टमी के दिन तो रिकॉर्ड 34,000 से अधिक पर्यटक यहां इस धरती पर पहुंचे थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने एवरेज औसतन 10,000 लोग प्रतिदिन डेली पहुंचते हैं, 10,000, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 133 साल हो चुके हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ 11 महीने और डेली 8,500 लोगों का आना, 11 महीने में 23 लाख लोगों का आना, ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। आज मैं पूरा समय जो जो नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको देखने गया था। यहां आने में मुझे देरी इसलिए हुई कि मुझे देखते देखते, और मेरे लिए तो जरा ट्रैफिक भी नहीं था, तेज जा रहा था, तो भी 4 घंटे लग गए और अभी भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूं। यानी इतना बड़ा व्यापक रूप से काम, ये भविष्य में टूरिस्ट यहां आएंगे 2-2, 4-4 दिन रहने के लिए उनका मन कर जाएगा। यहां सब्जी, फल, फूल, दूध, उसके उत्पादन करने वाले आदिवासी साथियों को बहुत बड़ा मार्केट यही उपलब्ध होने वाला है। हमें बस एक ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। मुझे जानकारी है कि आप सभी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस काम में जुटे हुए हैं।